हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप आज इफको एजीटी का एग्जाम था और ये इस बार दो शिफ्ट में हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है तो उसकी अभी हम एनालिसिस करेंगे एंड हम कोशिश करेंगे कि जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमें मिले हैं हम उनको डिस्कस करें सो दैट कि आपको आगे कुछ फायदा उससे हो सके। और यहाँ पे आपने जिन्होंने जिन भी स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया है आप अपने क्वेश्चंस भी शेयर कर सकते हैं सो दैट कि अभी नेक्स्ट बैच में स्टूडेंट्स को कुछ मे बी उससे बेनिफिट हो या फिर आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिट हो। ओके, आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कि हमारी वॉइस आपको ऑडिबल है कि नहीं, देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम एनालिसिस। इफको एजीटी का जो एग्जामिनेशन था बेसिकली मैं बताता हूँ, इसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और 150 क्वेश्चन के लिए केवल 45 मिनट टाइम मिला था। तो 45 मिनट का टाइम बहुत कम होता है अगर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें एंड समझें। और अगर मेजोरिटी देखी जाए एग्जाम की तो कुछ कुछ सर आपको बता देंगे क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आए थे। तो जैसे कि आपका जो पहला क्वेश्चन था वो आया था आपका पैथोलॉजी से, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया था कि कौन सी ऐसा इसका कंपाउंड है जो एंटीफंगल भी एंटीबायोटिक भी है। तो नाइसिन जो आपकी होती है ये एक तो एंटीबायोटिक भी है क्योंकि ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, साथ ही साथ ये एक एंटीफंगल भी होती है, मींस फंगल भी अटैक कर सकती है। चलिए ये वाला क्वेश्चन, जैसे सर ने बताया ना कि पैथोलॉजी का था जी। अब जो अगला क्वेश्चन आपका आया है ये आया था कि हॉर्टिकल्चर से, इसमें पूछा गया था कि चोक थ्रोट बनाना में किससे होता है। तो ये आपका एक ना फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि मेनली आपका जो हाई टेम्परेचर होता है एबायोटिक स्ट्रेस उससे होता है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आया था वो आया था कि सॉइल के जो कोलाइडल पार्टिकल है वो कैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो ऑप्शन में आपकी ये था प्लास्टिसिटी एडिशन क्वेश्चन और एक ऑप्शन और था जिसका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस ऐसे थे, जैसे इसमें भी एबायोटिक स्ट्रेस था जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया कि उसमें सारे एबायोटिक स्ट्रेस दिए थे जितने भी एबायोटिक स्ट्रेसेस हो सकते हैं। तो वहां पे आपको देखना कि मोस्ट सुटेबल कौन सा था एंड आई थिंक वो ऑल ऑफ द अबव था, जैसा कि इसमें भी ऑल ऑफ द अबव आंसर था। देन एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी जो पेपर के टाइम भी आप लोगों ने देखा होगा जिन भी स्टूडेंट्स ने दिया था कि सॉइल साइंस इकोनॉमी का पार्ट बहुत था बट उसके साथ साथ पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट भी काफी ज्यादा इस बार देखने को हमें मिला था। और जैसा कि स्टूडेंट्स ने कमेंट में बताया है, काफी सारे स्टूडेंट ने कि रिपीट हुए थे। अभिजीत ने बताया कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हुए थे एंड कई सारे स्टूडेंट ने बताया कि लैंग्वेज में भी कुछ इश्यूज था और कई जगह ऑप्शंस नहीं थे, वो सारी चीजें थी। तो आप क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सो देट कि आपको पता रहे कि क्या क्या चीजें रही हैं। और क्वेश्चंस चेंज भी हो सकते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस एक स्टूडेंट को मिले हैं वो दूसरे को ही मिले, क्योंकि हमने अभी मेमोरी पेज जब हम स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहे थे तो ये देखने को मिला कि एक क्वेश्चन पे दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि वो क्वेश्चन उनके पेपर में नहीं था, तो वो भी मे बी चांसेस हो सकते हैं क्योंकि वो सारी चीजें कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ओके, से भी आपके काफी क्वेश्चन इस बार आए थे तो अभी आपको देखने को मिलेंगे इसमें। देन ये क्वेश्चन एक आया था आपका हॉर्टिकल्चर से भी था कि क्रिकेट बॉल और काली पत्ती किसकी वैरायटी है, तो ऑप्शन में सपोटा दिया गया था, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका था कि जो मैक्सिमम कौन से बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं, तो सुडोमोनास एक ऑप्शन था, बैसिलस, बट इसका करेक्ट था बैसिलस ऑप्शन। और फिर आया था कि मेंडल ने पी को ही क्यों यूज करा, चार ऑप्शन दिए गए थे लेकिन जो मोस्ट करेक्ट माना जाता है वो है आपका कंट्रास्टिंग करेक्टर। एक ऑप्शन आपका था कि वो चीप था, एक था इजीली अवेलेबल और एक ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव, बट करेक्ट होगा कंट्रास्टिंग करेक्टर वाला, क्योंकि चीप है या फिर इजीली अवेलेबल है तो लगभग सभी चीजें हो जाती है, बट हमको ये देखना होता है कि सुटेबल। वहां पे ऑल ऑफ द अबव आंसर भी था बट अगेन अभी इस पे हम बहुत ज्यादा बहस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एग्जामिनर का डिस्क्रिप्शन होता है, बट जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो यही है कि कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे, मेंडल्स ने जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे इसी वजह से इसको यूज किया गया था। Yes, so next question था। Next question आपका जो आया था वो एग्रोनॉमी सॉइल साइंस से कह सकते हैं आया था, इसमें था कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कौन सा होता है सॉइल में, तो आपका होलार्ड कहते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वाटर को, ये चेसार्ड और एकार्ड दोनों का सम होता है। तो अगला क्वेश्चन जो था वो आपका आया था कि ये थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री से आप इसको कह सकते हैं डेयरिंग से, कि स्ट्रिप कप कब यूज किया जाता है, तो स्ट्रिप कप जो डिवाइस है आपका जस्ट बिफोर मिल्किंग यूज करते हैं। और फिर आपका सॉइल साइंस से एक और क्वेश्चन आया था कि लीस्ट वेदरेबल मिनरल कौन सा है सॉइल में, तो इसका जो सही ऑप्शन में क्वार्ट्ज दिया गया तो वही इसका सही आंसर होगा। Yes, और ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है क्वार्ट्ज की, जब भी हम बात करते हैं तो ये लीस्ट वेदरेबल और जो हम स्ट्रॉन्गेस्ट में आता है ये यही चीज आती है। नेक्स्ट, देन क्वीन ऑफ नट्स एंड क्वीन किंग ऑफ नट्स पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वीन ऑफ नट्स का तो आंसर पीनट है और आगे आप देखेंगे कि किंग ऑफ नट्स का भी क्वेश्चन आया था।
देन इज इसके बाद एक आया था क्वेश्चन की फर्मेंटेशन आपकी किन किन इंडस्ट्री में यूज होता है, ऐसे एक रिलेटेड था, एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं आ रही मुझे, तो उसमें आपका बेकिंग ब्रूइंग और वाइन तीनों ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव था, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। फिर एक आया था कि डीग्रीनिंग फ्रूट को डीग्रीन करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, तो इथाइलीन हार्मोन यूज करते हैं जो कि डीग्रीनिंग में यूज होता है। फिर अगला आपका था कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसमें कौन सा वो मेटैलिक एलिमेंट होता है, तो आयरन उसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका आया था कि डाई एसिटाइल ये कंपाउंड किसमें पाया जाता है, डेयरी इंडस्ट्री में मतलब पाया जाता है जैसे डेयरी कंपाउंड आपके बटर में, बटर मिल्क में पाया जाता है, साथ ही साथ सोर क्रीम ऑप्शन में था उसमें भी होता है, तो सही आंसर था ऑल ऑफ द अबव। फिर आपका एक क्वेश्चन आया था हाउ इज फूड एडजस्ट बाय द कंज्यूमर, यानी फूड कैसे कंज्यूमर एडजस्ट करेगा, तो जो उसका सही आंसर था वो आपका था सेंसरी से, यानी कि अपने सेंस ऑर्गन की मदद से हम फूड को जज कर सकते हैं कि उसका टेस्ट सही है कि नहीं, खराब है कि नहीं। ये तो जस्ट एक नॉर्मल सी चीज है जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती है, चाहे हम सब्जी खरीदने जाएं चाहे हम किसी फूड को देखें, तो हम उसको बेसिकली या तो विजुलाइज करके या तो फिर उसको थोड़ा सा स्मेल करके या फिर उसको चीजों को ऑब्जर्व करके ही पता लगाते हैं कि वो कैसी है, और उसके अलावा कोई मेथड जनरली हम यूज नहीं करते जब हम मार्केट में जाते हैं। तो क्वेश्चंस जो थे कुछ कुछ काफी नॉर्मल क्वेश्चन भी थे जो जो आप जस्ट एक बार पढ़ने के बाद आंसर कर सकते थे, क्योंकि कई क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी थे कि जिनका हमें पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर लेवल में हम लोग नहीं कर पढ़ पाते हैं। देन एक क्वेश्चन था कि जो ज्योमेट्री का कौन सा कॉम्बिनेशन होता है जिसके थ्रू हम जो रेशियोज होते हैं जेनेटिक्स में उनको कैलकुलेट करते हैं, तो वो पनेट स्क्वायर होता है, जो साइंटिस्ट थे पनेट उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो जनरली आपने आप लोगों ने देखा होगा कि हम अगर जीनोटिपिक रेशियो या फिनोटिपिक रेशियो निकालना होता है तो हम इससे निकालते हैं जनरली, तो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड में अलग अलग होता है। किसी स्टूडेंट ने पूछा भी कि अभी मोनोहाइब्रिड में कितना आया था, तो मोनोहाइब्रिड में जो मोनोहाइब्रिड रेशियो पूछा गया था जिसका जो सही आंसर था 1:1 आएगा। और अगला क्वेश्चन देखा आपका और यहाँ पे अच्छा एक चीज आप ये बताइए कि ये साथ में चैट में आप हमें बता सकते हैं कि आपने 45 मिनट्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पढ़ाई कैसे करें, ठाकुर जी का क्वेश्चन है। अभी हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद लास्ट में फिर से डिस्कस करेंगे। अभिजीत का कहना है चीटिंग करने का टाइम किस पे होता है, तो चीटिंग करने के लिए क्योंकि टाइम बहुत कम था आपको बहुत कम टाइम उसमें मिलता है। ओके पेपर बहुत इजी था, आयशा का कहना है फूड फैक्ट्री ISO क्या था, अभी हम आगे चेक करेंगे अगर इसमें आएगा तो। मेनी क्वेश्चंस आर मिसिंग सर, तो मिसिंग क्वेश्चंस कई सारे में आंसर्स प्रॉपरली नहीं दिए गए थे। यहाँ पे विष्णु ने बोला है कि कट ऑफ का आइडिया, तो बेसिकली कट ऑफ यहाँ पे कोई ऐसी डिसाइड होती नहीं और ना ही रिलीज होती है, ये प्रिलिम्स है, देन आपका मेंस होगा, देन इंटरव्यू होगा, और क्योंकि कॉपरेटिव है इफको एक, तो वो बहुत ज्यादा लीगली बाइंडेड नहीं होता ये सारे प्रोसीजर्स के लिए, जो बाकी IBPS या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज होती हैं वो जैसे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो मतलब आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जैसे IBPS AFO पूरा कट ऑफ लेकर आती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। और आपने देखा भी है कि इस एग्जाम के लिए भी उन्हीं बच्चों को नोटिफिकेशन आया जो सिलेक्टेड है, अब वो सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है वो IFCO का अपना है और उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। ओके अभिजीत आपने 140 के अराउंड अटेम्प्ट किए, तो काफी अच्छा है, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो आपको अगर टाइम था तो आप इसमें सारी चीजें कर सकते थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का डिस्कवरर कौन है, तो इसमें जो वॉक्समैन और शर्ट ऑप्शन दिए गए तो वही करेक्ट होगा। नीलम पूछ रही कि सर क्वीन ऑफ नट कौन सा है, तो देखिए क्वीन ऑफ नट पीनट को ही कहते हैं, वॉलनट जो होता है वो किंग ऑफ नट होता है। हाँ मे बी वो आपने उसमें किया हो, कई बार ये चीज होती है कि हम लोग पेपर देके आते हैं ना तो हम भूल जाते हैं कि हमने ऑप्शन कौन सा टिक किया। तो अगेन अभी पेपर हो चुका है, आप उस पर बहुत ज्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखिए जब आप पेपर को मैच करते हैं ना, जब भी आपका कोई भी आंसर सही होता है ना तो उसकी उतनी खुशी नहीं होती है जितना कि अगर कोई ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए या तो खुशी भी उतनी मनाइए जितना दुख मना रहे हैं, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा इसमें फीलिंग लेके मत आइए, क्योंकि ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, इसके बाद मेंस भी होगा और भी सारी चीजें हैं। ओके तो बहुत ज्यादा चीजों को दिल से नहीं लगाना है। देन एक क्वेश्चन था डिजीज मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ बनाना, तो जैसे यहाँ पे मेंशन है कि काफी इंपॉर्टेंट था कि बंची टॉप भी है, पनामा भी था, पनामा विल्ट भी था और सिगाटोका भी था, तो अगेन ये सारी ही इंपॉर्टेंट डिजीजेस है, फ्यूजेरियम विल्ट भी था, बट अगर आप कॉमन नहीं देखेंगे तो सिगाटोका भी मेंशन रहती है और विल्ट भी मेंशन रहती है, डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेज है, अगेन यहाँ पे बहुत कंक्रीट कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिल्क ऑफ सिल्क वॉर्म, तो जो सिल्क होता है सिल्क वॉर्म का वो कैसा होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए थे, तो अगर ये चारों अगर आप लोग ऑप्शन में बताएंगे तो फिर हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। जो ऑप्शन थे वो थे आपके कंटिन्यूअस फाइबर होता है कि डिस्क्रीट फाइबर होता है, दो तो मुझे याद आ रहे हैं और दो ऑप्शन और भी थे जिसका देन
देन उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका था वो था एंटोमोलॉजी से आया था कि एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन पूछी गई थी कि एंटोमोलॉजी क्या है, तो उसको स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कहते हैं, ऑप्शन में था। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन आपका था कि सिंथेटिक फ्लेवर क्लेम किस कंपाउंड्स को यूज करते हैं, तो बेसिकली ईस्टर का यूज किया जाता है, अल्डिहाइड और कीटोन भी ऑप्शन में था लेकिन मोस्ट करेक्ट ईस्टर हो जाएंगे। ये आपने देखा भी होगा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जनरली जो सीक्वेंस होता है एल्कीन्स का, एल्कीन्स एल्काइन्स, उसके बाद हम एल्कोहल्स पढ़ते हैं, एल्डिहाइड्स पढ़ते हैं, कीटोन्स पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं, फिर ईस्टर्स आते हैं बेसिकली। तो जो ईस्टर्स होते हैं उनको फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट्स कहा जाता है, ये एक बहुत कॉमन सी चीज होती है, इसलिए यहाँ पे जो सिंथेटिक फ्लेवर्स के लिए और स्वीटनिंग एजेंट्स के लिए हम लोग ईस्टर्स को यूज करते हैं। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये था राइपनिंग हार्मोन, तो ये तो आई थिंक सबके लिए काफी इजी रहा होगा कि जो इथाइलीन है उसको हम राइपनिंग हार्मोन कहते हैं, चाहे हम फ्रूट को हार्वेस्ट कर दे या फिर ड्यूरिंग भी इसको हम हार्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका फिर से ये आ गया था सॉयल साइंसेस में, पूछा गया था कि थायो यूरिया क्या होता है, तो बेसिकली थायो यूरिया एक केमिकल है जो कि आर्टिफिशियल नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर की तरह इसको यूज किया जाता है। तो देन आपका जो अगला क्वेश्चन आता है बिटर पीट एक डिसऑर्डर होता है एप्पल में, वो किससे होता है, तो ये कैल्शियम की आपकी डेफिशिएंसी से हो जाता है। फिर एक आया था कि सिस्टिक फिब्रोसिस, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन था कि ये कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, सिस्टिक फिब्रोसिस। देन आपका अगला आया था क्वेश्चन कि इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया किसका होम कहा जाता है इसको, तो स्पाइसेस और मेडिसिनल क्रॉप मोस्टली हमारे इंडिया में पाई जाती है, इसीलिए ये ऑप्शन इसका सही था, स्पाइसेस और मेडिसिनल का। हाँ, जो बाकी ऑप्शन थे उसमें से देखते हुए अगर आप बाकी ऑप्शन देखेंगे जो बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्पाइसेस एंड मेडिसिनल है वो यहाँ पे बेस्ट रहेगा। देन एक क्वेश्चन था कि हाईएस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप या फिर जो टॉप प्रोड्यूसिंग क्रॉप है पूरे वर्ल्ड में वो कौन सी है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो वीट है। अगर जनरली इसको स्टेपल क्रॉप भी कभी कभी हम कहते हैं, बट जैसे आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में जो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग क्रॉप होती है वो राइस होती है, पैडी हमारा सबसे हाईएस्ट होता है, देन उसके बाद वीट होता है, पर अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो यहाँ पे वीट सबसे ज्यादा रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि म्यूटेशन के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, ये भी जेनेटिक्स का ही क्वेश्चन था, तो ऑप्शन जो इसका सही था वो म्यूटेंट था। एंड बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो जीन के सीक्वेंस होते हैं ये क्रोमोसोम पे जब हम डीएनए लेवल पे देखते हैं तो जैसे म्यूटॉन होती है ये सीक्वेंसेस रिस्पॉन्सिबल होती है म्यूटेशन के लिए, रिकॉम्बिनेशन के लिए रिकॉन होती है, तो इस टाइप से ये नेम होते हैं बेसिकली। तो आई होप कि ये थोड़ा सा इसलिए इजी था क्योंकि म्यूटेशन दिया है और ये म्यूटॉन आप इसको रिजेंबल कर सकते थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये नहीं था। देन सलाइवा बाय द सिल्क वॉर्म, इसकी कुछ फॉर्मेशन पूछी गई थी कि सलाइवा बाय सिल्क वॉर्म क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर मेनली टाइप पूछा था कैसा होता है, तो फिगर 8 एक मतलब एक कैटेगरी कह सकते हैं उस टाइप का होता है सिल्क वॉर्म का सलाइवा। उसके बाद ये पूछा गया था कि हमारा जो मूगा सिल्क है वो मतलब कहाँ से होता है, तो इसका जो आसाम से मेनली मूगा सिल्क का प्रोडक्शन आसाम में होता है इंडिया में। जनरली आपने देखा कि सिल्क से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन थे, जैसे पहले भी हमने देखा, और सिल्क वॉर्म से रिलेटेड भी, और सिल्क की चीजें भी पूछी गई थी, और इसके साथ साथ आसाम सिल्क में पूछा गया था। और जैसे अगर आप सिल्क देखेंगे बेसिकली 4 टाइप का है, जो हमारा मलबरी है, देन इरी है, मूगा है एंड तसर है, तो बेसिकली यहाँ पे केवल मूगा के लिए पूछा था, अभी आगे भी देखेंगे तो उसमें और स्टेट्स वाइज भी यहाँ पे पूछा गया है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया था कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इसमें पूछा गया था कि जैसे गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों होते हैं, लेकिन पूछा था कि हैप्लॉयड कौन सा होता है, तो वो गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होता है, स्पोरोफाइट जो होता है आपका वो डिप्लॉयड होता है। जैसा कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट के ले लेते हैं, देख लेते हैं। आयशा का कहना है कि 122 क्वेश्चंस किए शाहिद ने, 150 राहुल ने, 145 ओके शाहिद ने 150 किए, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्टेड वेरी गुड, शिवम ने 144। देखिए एक अच्छी चीज थी वहां पे कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप एक जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन बहुत आपको डायरेक्टली आते थे उनको आप आगे ले सकते थे। देन क्वीन ऑफ नट अभी हमने डिस्कस किया ही, सेरिकल्चर या सेरिकल्चर से काफी सारे क्वेश्चन थे, मतलब वो इम्पोर्टेंट लग रहा था, जैसे एग्रोनॉमी सॉइल साइंस एंड सेरिकल्चर से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देन 40 मिनट में 150 पेपर कर दिया अजय राज ने, तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है, बाकी स्टूडेंट्स भी बता सकते हैं उन्होंने कितने क्वेश्चन किए। अर्पित 60 अटेम्प्ट्स, अनिल ने अनिल का कहना कि सेरिकल्चर आया था, नीलम 150 क्वेश्चन ओके, सुरेंद्र ने 142, आशीष 49, तो मोर ओवर हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम रेंज है वो लगभग पूरी ही है। और अभिजीत ने कहा है कि एंटोमोफेजी भी पूछा गया, जी हाँ अभिजीत आगे हम शो भी करेंगे कि एंटोमोफेजी भी एक क्वेश्चन था जो कि ईटिंग ऑफ इंसेक्ट उसमें सही ऑप्शन था। जो भी फेगस वर्ड लगता है ना जनरली वो कंज्यूम करने से रिलेटेड ही होता है, मतलब ईटिंग या फिर कंजम्पशन के लिए। मनीषा इसमें कह रही कि स्प्लीनिक फीवर से भी पूछा गया था, हाँ इसमें एंथ्रेक्स दिया गया था, वही इसका आंसर था कि स्प्लीनिक फीवर का दूसरा नाम क्या है।
उसके बाद आशीष कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने 149 अटेम्प्ट करे, बहुत बढ़िया बात है। फिर मैक्स शुभ्रकांत का 1 बजे से है, तो शुभ्रकांत ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अभी देखिए आपको ना कुछ नई चीजें ढूंढनी नहीं है बेसिकली, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी और जो हम कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा काम आती है रादर देन की कुछ नॉलेज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना जल्दबाजी में हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम पे, वो हर किसी के साथ होता है। तो आप बिल्कुल आराम से कूल होके दीजिए, क्वेश्चंस रिपीट होंगे ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोई श्योरिटी नहीं होती, और कुछ क्वेश्चंस इतने कॉमन होते हैं कि वो हर जगह रिपीट हो जाते हैं और फिर भी वो गलत हो जाते हैं, तो वो सारी ही पॉसिबिलिटी हमारे पास रहती है। चलिए हम आगे देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन जो आपका आया था ये भी थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी से आप कह सकते हैं, इसमें पूछा गया था कि जो टी है उसमें कौन सी फर्मेंटेशन यूज करते हैं, तो अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, और एक आपका नन ऑफ दी अबव था ऑप्शन में, तो नॉन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टी के प्रोडक्शन में मेनली यूज करते हैं। फिर जेनेटिक्स से अगला क्वेश्चन आया था जो सर आपको बताएंगे कि ये तो बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन था काफी, और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने मतलब जो मेरे को टेलीग्राम में 2-3 स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे ना वो कॉमन था कि सर फादर ऑफ जेनेटिक्स 2 या 3 बार पूछा गया था, दो या तीन तो मतलब आप देख सकते हैं कि इजी क्वेश्चन है ये फादर ऑफ जेनेटिक्स, और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, तो इसके मेंडल फादर जीजे मेंडल ही है, तो मेंडल उसमें ऑप्शंस थे जो करेक्ट था। देन ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एक आपका आया था कि 1 ग्राम, इसमें मतलब पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो एक ऑप्शन था आपका कि 1 ग्राम फैट से 5 कैलोरी एनर्जी एनर्जी निकलती है, तो ये इनकरेक्ट था आपका क्योंकि 1 ग्राम फैट आपका 9 कैलोरी एनर्जी लगभग रिलीज करता है। फिर आपका एक आया था कि जो मेज क्रॉप होती है उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट पीएच क्या है, तो जो सही था वो 5.5 से 7.5 होता है, इसी में आपका मेज जनरली ग्रो करते हैं। मेज के पीएच या फिर जैसे क्रॉप से रिलेटेड पीएच आता है ना, कभी कभी अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि आप उसको कैसे देख सकते हैं, एक तो मैं आपको बता दूं दो इसमें ट्रिक आप देख सकते हैं, क्योंकि जनरली पीएच याद होना हर किसी क्रॉप का, हालांकि मेज तो मेजर क्रॉप है बट हर किसी का याद करना पॉसिबल नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हैं वहां पे, एक तो आप ऑप्शंस देख लीजिए, इसमें ऑप्शंस काफी दूर दूर थे तो वो भी काफी इजी था, और दूसरा ना किस बेल्ट में ये सबसे ज्यादा ग्रो होता है, तो अगर आप देखेंगे तो ये यूपी और बिहार, अगर आप देखेंगे बिहार में बहुत ज्यादा मेज प्रोड्यूस होता है, अगर आप उस साइड की सॉइल का ही वो देख लेंगे पीएच तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, तो सॉइल टाइप से भी आप किसी पीएच को कोरिलेट कर सकते हैं, जस्ट ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी जगह पे कौन सी सॉइल होती है, कौन सी क्रॉप किस सॉइल में ग्रो की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन आपका एंटोमोलॉजी से आया था जिसमें पूछा था कि ऐसे इंसेक्ट जो एक ही टाइप के फूड पे फीड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो मोनोफेगस जनरली कहा जाता है, और दूसरे आपके जो पॉलीफेगस होते हैं ये जनरली जो होता है एक से ज्यादा टाइप के आपके क्रॉप पे फीड करते हैं, जैसे आपका जो ग्राम पॉड बोरर है ये आपका ग्राम पे भी करता है, और उसके बाद आपका ये कॉटन में भी हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे भी रोहित ने और मिस्टर पीके और नंदिता ने शेयर किया है कि सबके पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस थे, बहुत अलग क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चन सिमिलर भी हैं, तो ये चीज आपको एक चीज और जिन भी स्टूडेंट्स का नेक्स्ट शिफ्ट में है उनके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो पेपर है वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्वेश्चन बहुत वेराइटी के हैं, और हो सकता है कि उसी वजह से बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन पेपर होने की वजह से काफी क्वेश्चन रिपीट हुए, क्योंकि जनरली वैसा हो जाता है, तो इसमें क्वेश्चन नए हैं या फिर हर एक पेपर के, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा ना कि कई जब अभी हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ क्वेश्चंस को, तो कई सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया था, जबकि एक स्टूडेंट का कहना था आया था, तो ऐसा होता है कई बार जब इस टाइप से पेपर होता है, तो जनरली क्या है कि हम जब एक बार पेपर देख लेते हैं यहाँ पे, और ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं कि आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट करने, जस्ट आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी नॉलेज है, और इसके अलावा जब आपके आने वाले एग्जाम्स की स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में, क्योंकि क्वेश्चन काफी कॉमन थे, और एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिली ना कि पेपर का जो पैटर्न है, अगर आप देखेंगे जिस टाइप से आजकल पेपर का पैटर्न चल रहा है उसी में ये भी अलाइन है, और करंट एग्रीकल्चर से क्वेश्चन ऐसा कुछ इसमें थे नहीं, पंचायती राज में थे, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और एक आपका फेनोमिना से क्वेश्चन आया था कि वीवी पेरी कौन सा फेनोमिना होता है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो सीड आपकी प्लांट से अटैच रहती है उसी में वो जर्मिनेट कर जाती है। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन आया था कि पूछा गया था कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो सॉइल में होता है उसको इंडिकेटर किस प्लांट को यूज करते हैं, तो उसका सनफ्लावर ऑप्शन है, और एक आया था आपका कि ये जो फॉर्मूला होता है मिनरल्स के रिलेटेड कि उसमें प्लांट ग्रोथ में कौन से जरूरी होते हैं, किसने दिया था, तो ये नॉप एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। फिर ये एंटोमोफेजी, जैसे अभी भी इसमें एक स्टूडेंट ने कहा था कि एंटोमोफेजी का भी आया था, तो देखिए वो क्वेश्चन आप सामने आपके है कि उसमें एंटोमोफेजी माने होता है ईटिंग ऑफ इंसेक्ट्स। फिर अगला क्वेश्चन जो आपका आया था ये पूछा गया था कि सिल्क वर्म की जो लाइफ साइकिल है, ये भी अगेन देखिए सेरिकल्चर से काफी क्वेश्चन आज के पेपर में दिखे थे हम लोग को, कितनी स्टेजेस होती है, तो वो 4 होती है बेसिकली, ये क्योंकि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, तो एग है उसके बाद जो हमारी लार्वल स्टेज है, प्यूपल स्टेज है, देन अडल्ट स्टेज है, और अगर हम जो कमर्शियल स्टेज कहते हैं वो हमारी प्यूपल स्टेज होती है जिससे हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं,
और एडल्ट का भी। अभी मुझे ऐसा ही कुछ ध्यान आ रहा है कि अभी हम जब कल या परसों लाइव क्लास में अपनी डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि एडल्ट का क्या रोल है, मतलब अगर हमको प्यूपल स्टेज से ही सारा सिल्क मिल जा रहा है तो एडल्ट का क्या रोल है। तो आप लोग बता सकते हैं कि एडल्ट का क्या रोल है, मतलब हर एक साइकिल, मतलब जितनी भी जो लाइफ साइकिल होती है, हर एक स्टेज का अपना एक रोल होता है। और स्पेसिफिकली जो वैसे तो इंसेक्ट की जो हमारे लिए जो प्लांट्स में होता है, जनरली इंसेक्ट काफी डिवेस्टेशन कॉज करते हैं, बट कुछ कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं जिनसे हमें फायदा मिलता है, तो ये लोग आप बता सकते हैं। और देन इज ये क्रॉसिंग टू द ईदर ऑफ पेरेंट्स, जनरली जो क्रॉस होती है, अगर अब वो बैक किसी भी एक पेरेंट से, जनरली अगर हम इसको ऐसे देखें, अगर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी है, और जो F1 हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर हम किसी भी एक पेरेंट से, ईदर ऑफ द पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, तो इसको बैक क्रॉस कहा जाता है। अगर इसको अगर हम जो F1 है हमारा, अगर इसको हम होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं, या फिर जो रिसेसिव पेरेंट से है, जो रिसेसिव पेरेंट है दोनों में, उससे कराते हैं, तो उसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। देन एक ये क्वेश्चन है जो आजकल आप महसूस भी करते होंगे बारिश ये के बाद। आपका फिर से माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया था। इसमें पूछा गया था कि जो अर्दी स्मेल होती है, ये जो भी आती बारिश के बाद इस मिट्टी से जो स्मेल आती है किसकी वजह से होती है, तो एक्टिनोमाइसिटीज माइक्रोब होते हैं उनकी वजह से स्मेल आती है। और इसमें ये NNB गोल्डन चांस करके एक स्टूडेंट है, वो पूछ रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर ऑफ मैंगो भी, हाँ ये भी एक क्वेश्चन आया था, तो इसका जो आंसर था वो 2N = 40 होता है मैंगो का। Yes. चलिए एक जो अवसर बताएंगे आपको आगे के जो क्वेश्चन थे। तो एक क्वेश्चन ये था कि एनिमल हस्बेंड्री में क्या चीज नहीं होती है, जनरली वहां पे बाकी शायद कंपोनेंट्स मेंशन किए थे, लाइव स्टॉक पोल्ट्री वगैरह, तो प्लांट्स एनिमल हस्बेंड्री में नहीं आते हैं जनरली, उसमें केवल जो हमारी रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक होता है वही रहता है। देन एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से क्वेश्चन था कि कौन सा ऑप्शन है जो जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन फिट बैठती है, तो उसमें कुछ ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इसके साथ साथ और भी ऑप्शन थे जो सारे ही सही थे, जैसा कि हमने बाकी स्टूडेंट से भी डिस्कस किया। तो बेसिकली उसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन दी थी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है, बेसिकली व्हेन एन इंडिविजुअल फॉर्म द गैमेट फॉर इट्स जनरेशन, तो जो दोनों एलिल, किसी भी जीन की जो दोनों एलिल है, डिस्पाइट ऑफ रिमेनिंग टुगेदर दे सेपरेट विदाउट कंटामिनेटिंग ईच अदर। कहने का क्या मतलब है, ये F1 है, गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो ये डिप्लॉइड कंडीशन है, एक गैमेट इधर सेग्रीगेट होगी, एक इधर सेग्रीगेट होगी विदाउट कंटामिनेटिंग ईच अदर। कैपिटल टी डोमिनेंट ही रहेगी, स्मॉल टी रिसेसिव ही रहेगी, दोनों भले ही साथ रहे हैं F1 में पूरी लाइफ साइकिल में, बट उनका किसी का इम्पैक्ट किसी में नहीं होगा। इसीलिए इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है कि किसी भी कॉम्बिनेशन में रहें जो गैमेट होगा, गैमेट विल ऑलवेज बी प्योर। देन फर्टिलाइजर कंजम्पशन पूछा था, अगेन फर्टिलाइजर कंजम्पशन जो ये वाला डेटा था, अगेन ये डेटा कहना कि बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 175 kg पर हेक्टेयर भी रिपोर्ट्स है, 150 भी है, इवन 145 भी है, जो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स है उसमें 150 भी मेंशन किया है, बट वो डेटा 2019 एंड 20 का है और यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं था, तो ये कह पाना अगेन थोड़ा सा मुश्किल है। देन मॉन्टमोरिलो नाइट से क्वेश्चन था, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, अभी तो पूरा क्वेश्चन देखने में ही समझ आएगा कि वो क्या था। देन फिर पूछा गया था ये सिलिकन साइड फेनोमिना जो है ये किस टाइप के आपके सॉइल्स में पाया जाता है, तो ये वर्टी सॉइल जो आपके होते हैं मेनली ब्लैक सॉइल होते हैं उनमें ये सिलिकन साइड फेनोमिना देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन था वो आपका आया था कि आपके जो सिल्क के कितने टाइप के सिल्क मेनली कॉमर्शियली इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, तो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, जैसे सर ने पहले भी बताया था कि मूगा आपका होता है, इरी सिल्क होता है, टासर होता है एंड मलबरी। एंड मलबरी सिल्क होता है। यस एंड संजीव तोमर, अभी शायद आपने अभी ज्वाइन किया होगा, तो इफको एजीटी की कट ऑफ कितनी रहती है आपका, ये पूछना है, एनी आइडिया, क्योंकि इसमें ना कट ऑफ का कुछ क्लियर रहता नहीं, जैसे हमने पहले ही बताया, तो इसमें सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया है वो पता नहीं रहता है, जनरली वो जो भी हाईएस्ट रहते होंगे स्टूडेंट और जितने उनको स्टूडेंट चाहिए नेक्स्ट फेज के लिए वो उतने सेलेक्ट करते होंगे, बट यहाँ पे कोई ऐसी कट ऑफ का पता नहीं चलता है, तो वो सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। देन बॉन्ड क्ले में होता है, यस क्ले में होता है, आई थिंक वहां पे मोनोमेरिलो नाइट ऑप्शन ठीक होगा। रीजनिंग के क्वेश्चन कोरियन लैंग्वेज में था, अच्छा ऐसा मुझे पहले भी किसी स्टूडेंट ने कहा कि चाइनीज लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मे भी कुछ हो सकता है उसमें। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाइल्ड स्टेट ऑफ विच इज वाइल्ड स्टेट ऑफ नॉट फाउंड इन द वाइल्ड स्टेट। ओके अच्छा, कौन सा इंसेक्ट वाइल्ड स्टेट में नहीं पाया जाता है, आई थिंक ये इसमें क्वेश्चन था। जी जी यही क्वेश्चन था कि पूछा गया था किस इंसेक्ट में वाइल्ड फॉर्म नहीं पाया जाता है, वाइल्ड स्टेट के या फॉर्म एक ही बात है, तो हनी बी भी था ऑप्शन में, सिल्क मॉथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वैसे था, लेकिन
फिर भी इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आपका पूछा गया था कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1948 में आपका इंडिया में सेंट्रल सिल्क बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका आया था वो था कि ये ग्रासी स्टैंडिक जो ये वायरस वायरल डिजीज होता है ये राइस में होता है, ये किससे ट्रांसफर होता है, तो ये लीफ हॉपर से होता है आपका ट्रांसफर। यस, जनरली अभी इसमें मिस्टर पीके ने कहा है कि जैपनीज में भी हो सकते हैं, अगेन क्योंकि जैपनीज कोरियन चाइनीज लैंग्वेज जब हम देखते हैं तो हमें सारी एक जैसी लगती है, तो हाँ ये हो सकता है। अनुज ने लिखा है कि मिल्च ब्रीड ऑफ काओ, यस ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ है कई सारे स्टूडेंट के साथ, क्वेश्चंस रिपीटेड थे। हाँ संजीव, क्वेश्चंस रिपीटेड थे काफी, जैसे मेंडल वाला क्वेश्चन था वो भी रिपीटेड था और भी क्वेश्चंस रिपीटेड थे। अच्छा नीलम के पास चाइनीज कोड नहीं आए थे तो आई थिंक वो उनको फिर क्वेश्चन करने में कोई भी इशू नहीं रहा होगा। चंदन ने 110 अटेम्प्ट किए, ओके देन आगे बढ़ते हैं। सिनॉप्सिस का क्वेश्चन था, जनरली ये जो हमारी मियोसिस की फर्स्ट स्टेज होती है उसमें 5 सब स्टेजेस होती हैं, है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। उसमें ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है कि सिनॉप्सिस कहाँ होती है, तो सिनॉप्सिस सबसे पहले होती है जाइगोटीन में, देन क्रॉसिंग ओवर होता है, देन उसके बाद चियाज्मेटा फॉर्मेशन होता है। और अगर क्रॉसिंग ओवर पूछा गया था तो उसका आंसर पैकाइटीन हो सकता है, किसी स्टूडेंट ने मेंशन किया था कि क्रॉसिंग ओवर ही पूछा गया था, बट जो क्वेश्चन हमें मिले उसके अकॉर्डिंग सिनॉप्सिस पूछा गया था। ओके देन मिल्च ब्रीड, जैसा कि अभी किसी स्टूडेंट ने डिस्कस किया इसमें, तो मिल्च ब्रीड के लिए साहिवाल बेस्ट ब्रीड है और जो इंडियन ओरिजिन की है। देन स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल जिसको हम पीडॉन कहते हैं। उसके बाद जैसे कमेंट में पूछ रही हूँ उजाला कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे क्लेरिफाई करने को, तो जी हाँ उजाला क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, जैसे आपका जो मेंडल वाला क्वेश्चन था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं ये भी रिपीट हुआ था, और ये पीडॉन वाला भी क्वेश्चन आपका आगे रिपीट हुआ था। जैसे आशिफ का कहना है कि 9:7 रेशियो इज द F2 जनरेशन रिप्रेजेंट, तो ये तो खैर इपिस्टेसिस का केस है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अभी देख रहा हूँ जितना हमने स्टूडेंट से अभी डिस्कस किया था उसमें मुझे नहीं मिला था, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चंस डिफरेंट थे। जैसे हमने डिस्कस किया था जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो किसी स्टूडेंट के उसमें डायहाइब्रिड क्रॉस का भी पूछा गया था, वो तो फिनोटिपिक रेशियो पूछा गया था जो 9:3:3:1 होता है। और अगर कोई भी डेविएशन होता है मेंडेलियन जेनेटिक्स में 9:3:3:1 के अलावा कोई भी रेशियो है, चाहे 9:7 हो, चाहे 9:3:4 हो, 9:9 कुछ भी रेशियो हो, वो एपिस्टेसिस हो सकता है, क्योंकि 6 डिफरेंट टाइप की एपिस्टेसिस होती हैं बेसिकली, जहां पे क्या होता है कि एक जीन की प्रेजेंस दूसरे जीन के प्रेजेंस या एब्सेंस को कंट्रोल करती है बेसिकली, उसको हम एपिस्टेसिस बोलते हैं। यस चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इंडस्ट्रियल लॉबिंग क्वेश्चन था, एक आपका ऐसे क्वेश्चन आया था कि इंडस्ट्रियल लॉबिंग में जो फूड की क्वालिटी होती है उसको रेगुलेट करने का प्रोसेस, मतलब वो रेगुलेशंस में आता है। और एक आपका ये भी आया था कि किस इरिगेशन मेथड की वाटर यूज एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है, तो जैसे आपको पता है कि ड्रिप जो कि इजराइल से आता है उसकी 95% वाटर यूज एफिशिएंसी होती है ड्रिप इरिगेशन की। फिर आपका जैसे सर अभी बता ही रहे थे कि हम क्रॉस पर डिस्कशन हो रहा था रेशियो का, तो जैसे आया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या रेशियो होता है, तो इसका जो करेक्ट है वो आपका जीनोटिपिक रेशियो मेनली पूछा गया था, तो 1:2:1 होता है। अगर ये फिनोटाइपिक पूछा जाता तो आपको यहाँ पे 3:1 रेशियो हो जाता है। उसके बाद आपका ये पूछा गया था कि जो रैंसिड एसिड होता है ये, मतलब कि कोई डेयरी प्रोडक्ट दिया था उसमें रैंसिड एसिड कौन सा पाया जाता है, तो वो ब्यूटायरिक एसिड एंड ब्यूटायरिक एसिड मेनली ऑप्शन में दिया गया था, और यही सही आंसर होगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे मोबाइल में जो स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सर आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस क्या थे। तो बेसिकली जो आप लोगों ने कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एक्टिनोमाइसीट्स कौन सी सॉइल में हाईएस्ट होता है, आई थिंक वो उससे था कि किस ये पूछा गया था कि कौन सा माइक्रोब जो है सॉइल में हाईएस्ट पाया जाता है। बैक्टीरिया के 2-4 नाम दिए थे, तो बैसिलस आपके मैक्सिमम पाया जाता है। एक्टिनोमाइसिटी से जो क्वेश्चन था वो ये था कि जब बारिश के बाद जो सॉइल से स्मेल आती है वो किससे की कारण आती है, तो वो एक्टिनोमाइसिटीज के कारण होती है। एक स्टूडेंट ने कहा सुभाष ने कि ऑप्शन क्वेश्चन रिपीट भी था और गलत भी था, ऐसा भी हमने देखा है। और पंचायती राज में, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिले, पंचायती राज कब एस्टेब्लिश हुआ, जबकि स्टूडेंट्स ने बताया कि पंचायती राज किसने फाउंड किया था और पंचायती राज में इलेक्शन कब कब होता है, इस टाइप के क्वेश्चन थे, बट यहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंट है। चलिए हम एक क्वेश्चन आपका आया था कि स्प्लीनिक फीवर का दूसरा नाम क्या है, तो एंथ्रैक्स होता है, ये मेनली कैटल में एक बीमारी पाई जाती है। और इसके बाद एक आपका अगला क्वेश्चन आया था कि प्लांट ट्राइग्लिसराइड वो किसमें, मतलब रिच किसमें होती है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मेनली वो रिच होती है। फिर उसके बाद आपका था
कि एस्कोर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से, एस्कोर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन सी कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? तो स्कर्वी आपका मेनली डिजीज हो जाता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। फिर आपका पूछा था कि किसने रिकमेंड किया था कॉपर सल्फेट वीट में टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बंट बंट डिजीज के लिए। तो इसका जो सही आंसर था वो आपका प्रीवॉस्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि कॉपर सल्फेट हम वीट में यूज कर सकते हैं बंट के ट्रीटमेंट के लिए। देन सिस्टिक फिब्रोसिस वाला क्वेश्चन भी जैसे रिपीट हुए, आप लोग भी जैसे बता रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए, तो सिस्टिक फिब्रोसिस था। देन एक था कि फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड के फ्रूट किसको कहते हैं? तो ये एवोगैडो को हम फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। फिर उसके बाद एक आया था कि बॉडेक्स मिक्सचर जो था वो किसने डिस्कवर करा था डाउनी माइल्ड्यू ग्रेप्स में? तो पीएमए मिलार्डर थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, उन्होंने इसको डिस्कवर करा था डाउनी माइल्ड्यू ग्रेप्स में। और एक पूछा था कि जर्नल, इंडियन हॉर्टिकल्चर जर्नल आपकी मेनली कहाँ से पब्लिश होती है? तो ये आपका आईसीआर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में, वहीं से जर्नल पब्लिश होती है। उसके बाद सर एक क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एप्रिकॉट का कौन है? तो इसका जो आंसर था सर आपको बताएंगे, ये ऑप्शंस कौन कौन से हैं इसमें? अच्छा ओके, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्रिकॉट इसमें टर्की था। देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि माइक्रो प्रोपोगेशन इज कॉमन इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, तो ये तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन थे आपके मेनली, बनाना, ऑर्चिड, स्ट्रॉबेरी या ऑल ऑफ द अबव। तो इस इसमें जनरली जैसे ये क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोपगेशन कॉमन मल्टीप्लीकेशन है, तो जनरली वो सभी में, जितने ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किए, बनाना में भी होता है, स्ट्रॉबेरी में भी होता है, और इवन ऑर्किड्स में भी वो होता है, मतलब तीनों में ही होता है। और अगर आप देखेंगे टिश्यू कल्चर या फिर माइक्रो प्रोपगेशन से ही ये सारी चीजें की जाती हैं। देन एक था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द हाइएस्ट न्यूट्रिएंट, तो उसमें शायद FIM और कंपोस्ट ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो अगर चारों ऑप्शन हम देख पाएंगे तो उसको समझ सकते हैं फिर कि कौन सा सबसे ज्यादा हाईएस्ट था। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इरेडिएशन से भी थे, एंड देन कुछ क्वेश्चंस हमारे, अगर आप देखेंगे इरेडिएशन का एक क्वेश्चन था, अगेन ये क्वेश्चन काफी क्लियर है नहीं। देन थायो यूरिया से, तो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग इससे डिस्कस कर लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो मेंशन्ड हैं, कुछ जो हमें भेजे हैं किसी स्टूडेंट ने। तो इसके अलावा अगर हम पंचायती राज के क्वेश्चन, चलिए पहले ये डिस्कस कर लेते हैं फिर पंचायती राज के। एक आपका आया था कि जो एस्परजिलस है, अफ्लाटॉक्सिन जो प्रोड्यूस करता है G1 और G2 टाइप का, वो कौन सी एस्परजिलस की स्पीशीज है? तो नाइजर, एस्परजिलस नाइजर था ऑप्शन में, फ्लेवस था, पैरासिटिकस था, और एक लास्ट ऑप्शन आपका था बोथ B एंड C। तो जो एस्परजिलस फ्लेवस होती है ना, ये मेनली एफ्लाटॉक्सिन का प्रोडक्शन करती ग्राउंड नट में G1 और G2 टाइप के। तो चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है कहा था कि हाँ, जैसे सब पहले भी कह रहे थे कि किंग ऑफ नट भी मैंने बताया था, पूछा गया था, तो वॉलनट आया था इसका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद आपका आया था जो बच्चों ने हमें क्वेश्चन भेजे हैं, उसमें कहा था कि ऐसा विच इज द डोमेस्टिक स्पीशीज ऑफ सिल्क वॉर्म। तो मेनली ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि हाँ, इसमें शायद स्टूडेंट ने बताया कि बॉम्बेक्स मूरी ऑप्शन नहीं था, बट जो डिफरेंट ऑप्शंस थे वो देखने के बाद पता चल पाएगा। अभी कुछ जो स्पीसीज है यहाँ पे जो मेंशन की हैं वो देख के तो समझ सा आ नहीं रहा, बट आप इसको ना क्लियरली भेजेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव भी हैं, आप लोग अपने ना क्वेश्चन या आंसर जो भी आपको आ रहे हैं आप चैट में लिख सकते हैं, सो दैट कि हम उनको कंपाइल करके फिर आपके पास लेकर आए। तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस अब हम उसके देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन तो जो क्वांट्स या फिर रीजनिंग में थे, जो कैलकुलेशन बेस्ड थे, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट वो क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हैं, चाहे जैसा कि आप लोगों ने बताया नंबर सीरीज के एक या दो क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन थे सर पंचायती राज वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। एक जो क्वेश्चन आया था पंचायती राज से आया था कि हु हैज फाउंडेड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका फाउंडेशन की थी इंडिया में। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पंचायती राज वाले क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, तो जनरली होता है कि पहली पंचायत राज कमेटी जो बनी थी वो किसने हेड की थी, बलवंत राय मेहता थी, बट वहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं था। और जैसा कि कई सारे स्टूडेंट्स ने इसे मेंशन किया कि पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऑप्शंस बहुत अटपटे से थे, तो वो अटपटा क्या था कि जैसे वो अमेंडमेंट पूछा गया था कि किसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए भी जनरली जो हम पढ़ते हैं 73rd अमेंडमेंट है, बट वहां पे स्टूडेंट्स को बताना था कि वो ऑप्शंस नहीं था। देन हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ पंचायती राज, तो पंचायती राज के इलेक्शंस के लिए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ये अगर हम कंसेप्चुअल पढ़ेंगे ना, तो ये कभी क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकते। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो पंचायती राज के हैं उनके इलेक्शंस को
कंडक्ट कराना। देन इसके अलावा ये भी बताया गया कि उसका टेन्योर पूछा था कि पंचायती राज इलेक्शंस का टेन्योर कितना होता है, तो वो 5 ईयर होता है। इसके अलावा आप भेज सकते हैं क्वेश्चन, एंड कुछ क्वेश्चंस काफी जनरल पूछे गए थे। ये क्वेश्चन तो आई थिंक क्रॉपिंग सिस्टम से था कि प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो अगर दो एक से ज्यादा क्रॉप हमने फील्ड में ग्रो किया पर्टिकुलर मैनर में किया तो जनरली वो इंटरक्रॉपिंग रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। अगर कोई और क्वेश्चंस है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया तो मैं कमेंट्स देख नहीं सकता। एनुअल यूनियन बजट कब होता है जनरली? तो अभी जो एनुअल यूनियन बजट है पहले से वो फरवरी एंड में होता था, अब वो फरवरी स्टार्टिंग में होता है। तो जैसा भी आपका क्वेश्चन आया था उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देख सकते हैं। देन जो एक क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन थे कम्युनिकेशन से, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स और जो मैनेजरियल रोल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे। एक क्वेश्चन था कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है वो कौन सी टाइप, वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। सो उसमें अप टू डाउन वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मेथड्स हैं कि मास कम्युनिकेशन की मेथड कौन सी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे इसमें है कि टेलीविजन पूछा गया था, तो टेलीविजन अगेन एक मास मीडियम है, उसमें विजुअल और साउंड दोनों से ही कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा पोस्टर से पूछा गया था, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे अभी जिनका भी एग्जाम है वो देख सकते हैं, वो सारे के सारे एक्सटेंशन मेथड जो हम कम्युनिकेशन की पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड थे। तो आई होप कि हमने एक सारे लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन जो लास्ट पूछा था कि पोस्टर आपका कैसा होता है, तो पोस्टर जो आपका है विजुअल टाइप का एड होता है, एक्सटेंशन का ही होता है। फिर एक क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि करेंसीज जो आपके, हाउ मेनी करेंसीज आर यूज्ड इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में, तो ये थोड़ा तो आई होप मुझे ये लगता है अब क्योंकि टाइम भी काफी हो गया है, 12:50 हो गया है, एंड अभी नेक्स्ट शिफ्ट में भी बच्चों का एग्जामिनेशन होना है। वो नेक्स्ट शिफ्ट में कितने बजे से है? तो 1:15 से आपकी 1:30 बजे से जो स्टार्ट होनी है, 1:30 बजे से है, तो हम पूरा टाइम उनको देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको चलाते रहेंगे, आप एग्जाम भी देते रहेंगे। तो आप अपना आराम से, जिन भी स्टूडेंट का भी नेक्स्ट शिफ्ट में है, आप बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम पेपर को डिस्कस करते समय ये देखा कि क्वेश्चंस हर स्टूडेंट्स के उसमें डिफरेंट थे, क्वेश्चंस की डाइवर्सिटी बहुत अच्छी थी, इवन क्वेश्चन जेनेटिक्स से भी थे, बट क्वेश्चन सिंपल थे, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं थे। बाकी आप लोग उसको अच्छे से करें। सो आई होप कि हम लोगों ने आपके काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस को अपने कमेंट बॉक्स पे सेंड कर सकते हैं अगर आपको किसी में भी इशू है। और इसके अलावा जैसे हमने बताया था कि मॉक टेस्ट देना इसके लिए सबसे परफेक्ट स्ट्रेटजी होती है लास्ट टाइम पे। तो अगर आप मेंस के लिए जब भी प्रिपेयर करेंगे, अभी क्योंकि इसका मेंस भी आएगा IFCOAGT का, फिर इंटरव्यू भी होगा, तो मेंस के लिए भी आपको मॉक टेस्ट इसके लिए देने हैं, और मॉक टेस्ट आपको IXMB की साइट पे फ्री मिल जाएंगे। तो अगेन आपका कोई भी इशू है, कुछ भी होगा, तो आप इस पे hello@IXMB.com पे भेज सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। सो आई होप कि पुलकित सर ने जितना भी कंपाइलेशन किया बाकी स्टूडेंट से डिस्कस करके वो आपके काम आया होगा। एंड पुलकित सर ने एग्जाम होने के जस्ट बाद ही बाकी सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था उनके साथ कॉन्टेक्ट करके ये कंपाइलेशन किया, सो दैट कि हम आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस कर सकें। सो अगर कुछ कमेंट्स हैं तो सर वो ले सकते हैं, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। राहुल कुमार कह रहे कि क्वेश्चन जो आया था कि पंचायती राज कब एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, तो ये आपका जो थ्री टायर वाला था वो 1959 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसकी स्टार्टिंग की थी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो 1993 में इसको बेसिकली मिला था, 1992 में वो एक्ट पास हुआ था, 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और 1993 से वो लागू हुआ था। और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसको भी थोड़ा आप याद रखिएगा। उसके बाद नीलम पूछनी कि मोनो हाइब्रिड का क्या आंसर होगा, तो ये जीनोटिपिक क्रॉस पूछा गया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, तो उसका 1:2:1 होगा। नितेश का कहना है कि बहुत नकल किया, तो नकल कोई इसमें इशू नहीं है क्योंकि सभी घर से दे रहे हैं, बट आपको ये देखना है कि टाइम जो अभी सेकंड शिफ्ट में है, आप चाहे नकल करें चाहे किससे पूछें, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि 150 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में करने हैं। और ये कोशिश कीजिएगा कि आप सारे क्वेश्चन जरूर ऑप्ट करें, कहीं पता चला कि आपने स्टार्टिंग के 10-20 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो आप फिर आगे नहीं कर पाए। बाकी आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि वो घर से एग्जाम है, डेफिनेटली वो हर किसी को ही पता होता है, बट अगेन आप ये जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर को पूरा अटेम्प्ट कीजिए। यस, तो बाकी ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ही हैं, सॉइल फॉर्मेशन, पीडोजेनेसिस आप 3 बार इनका डिस्कस किया था, ओके, तो 3 बार पूछा था, कई क्वेश्चन रिपीट थे।
अच्छा, सागर का कहना है कि मैथ में डायग्राम वाला क्वेश्चन था, बट डायग्राम शो नहीं हो रहा था। यस, वो कुछ इश्यूज हो सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि जैसा कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि क्वेश्चंस भी डिफरेंट लैंग्वेज में पूछे गए थे। यस, रिपीट हुए थे। सो आई थिंक हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके अलावा आप क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ऐसे ही सेशन हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, और हम लोग अभी इफको एजीटी के लिए जो आपके प्रैक्टिस सेशन है वो लेकर भी आए थे, मेंस के लिए भी हम लेकर आएंगे। एंड इफको एजीटी की प्रिपरेशन के लिए आई एग्जाम्बी ने कोई डिफरेंट कोर्स नहीं लॉन्च किया है, हमने हमारा जो आईबीपीएस एएफओ का कोर्स है उसी में इफको एजीटी की सारी चीजें प्रोवाइड की हैं स्टूडेंट्स को, कोई अलग से कोर्स लेने की उसकी जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी पंचायती राज या फिर बाकी जो जितना भी इसमें डिफरेंट पार्ट है वो हमने उसमें दिया हुआ है। इसके अलावा आप सभी हर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहें। अभी अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए इफको एजीटी के अलावा जो अभी नेक्स्ट आने वाला एग्जामिनेशन है वो नाबार्ड का एग्जामिनेशन है, और नाबार्ड एग्रीकल्चर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इसमें क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश है, ईएसआई है, तो हम इसको नहीं भरते हैं। और जो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि इसमें एग्रीकल्चर पूछा जाने वाला है, तो इसलिए वो भी इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये इतना दोनों साइड से, मतलब जो दोनों स्टूडेंट्स है वो इसको थोड़ा नेग्लेक्ट करके चलते हैं। बट मैं आपको एक चीज बताऊं कि नाबार्ड आज के टाइम पे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। पहले थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि प्रीलिम्स में सारे मार्क्स जुड़ते थे, बट अब क्या है केवल एआरडी ईएसआई जीए के मार्क्स जुड़ेंगे, और जो मेंस एग्जाम है जिससे फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें इंग्लिश प्लस एग्रीकल्चर केवल यही दो चीज रहेगी। इसका प्रीवियस ईयर पेपर हमारी साइट पे देख सकते हैं और फिर उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हैं। हमने अपने एग्रीबी टेलीग्राम चैनल पे भी वो पोस्ट किया है पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप उसको देख सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ गुड डे। तो जैसा कि सर ने बताया आपको, नाबार्ड बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, तो आप नाबार्ड के लिए भी प्रिपेयर करिए। उसका नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली जुलाई या अगस्त में रिलीज हो जाएगा, क्योंकि इस साल के फाइनल रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काफी सारे स्टूडेंट ने लिखा है कट ऑफ के लिए, तो मैं सेशन एंड करने से पहले बता दूं कि कट ऑफ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसमें, क्योंकि इसमें कोई कट ऑफ रिलीज होती ही नहीं है, तो ये प्रिडिक्ट कर पाना कुछ भी मुमकिन नहीं है। और मैं सीधी सी बात बताऊं कि हमने अभी लगभग 30 या 40 स्टूडेंट के साथ मिलकर ये पेपर डिस्कस किया आपके पास सेशन लाने से पहले, बट उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि 30 या 40 बच्चों ने नहीं दिया, ये हजारों बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा, तो बेस्ड ऑन कुछ स्टूडेंट्स के उससे तो कट ऑफ को हम ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते। और पेपर का पैटर्न जैसे आपने देखा, क्वेश्चंस काफी रिपीट थे, कुछ ऑप्शंस गलत भी थे, और वो डिफरेंट हर पेपर में लगभग बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अगेन कट ऑफ नहीं है। और बेसिकली ये इफको का एग्जाम है, तो इफको ही डिसाइड करेगा कि वो क्या कट ऑफ रहती है, कितने स्टूडेंट्स को वो सेलेक्ट करता है, और ऐसी कोई कट ऑफ आती नहीं है। तो आप इसके लिए सोचना छोड़ दीजिए और आपको अपने मेंस की तैयारी करनी है जो आपका ओरिजिनल एग्जामिनेशन होगा। ओके, तो ये तो मोर और लेस सबका सेम ही होता है, तो आप मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, कट ऑफ की चिंता छोड़ दीजिए। और जो अब अगले शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स का होने वाला एग्जाम 1:30 बजे से, उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग परफॉर्म कीजिएगा, टाइम काफी कम है, तो ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।